परेशान मत हो। जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर हुए हम मूव कर जाएंगे यहाँ से। आपको लगता है कि मैं इस घर में शिफ्ट होने की वजह से परेशान हूँ? परेशान लग तो रही। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। सारा घर सेटअप करना है, अभी मैंने सिर्फ एक कमरा किया और मेरी हिम्मत तो जवाब दे गई है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, हम मिलके कर लेंगे। पहली सैलरी आ जाए फिर जरा कुछ इस घर की भी शक्ल निकालते हैं, रंग वंग कराते हैं, पौधे भी पुराने से लगे हुए हैं ये भी चेंज कराते हैं और ये सामने ग्रास लगवाते हैं सारे, और वो फवारा। फवारा। वैसे आप कब से शुरू कर रहे हैं नई जॉब? कल सुबह से। Tomorrow will be the first day. इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा। आइए हसन साहब, तशरीफ रखिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी सर, मैं चाह रहा था कि इससे पहले कि मैं ज्वाइनिंग दूं, मेरे जहन में एक दो आइडियाज थे, हम वो डिस्कस कर लें। मैं भी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था। जी। कल बड़ी जल्दबाजी में आपको जॉब पर रखने का फैसला किया। दरअसल हमारी कंपनी का उसूल है, हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उसका पिछले रिकॉर्ड चेक करते हैं और अपनी मुकम्मल तसल्ली के बाद कोई फैसला लेते हैं। सर मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात आपको वाज़ा कर दूँ हसन साहब, हमारी कंपनी कोई आम कंपनी नहीं, हम लोगों की डिग्री देखकर उन्हें हायर नहीं करते बल्कि और भी बहुत कुछ देखते हैं। जी। उमर साहब, आपके गलत फैसलों की वजह से आपका बिजनेस तबाह हो चुका है और वो बिजनेस आपका था भी नहीं बल्कि आपकी बीवी का था। हमें अपनी कंपनी के लिए ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की नहीं। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं, आप मुझे एक चांस दें, मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप जैसे लोग धोखेबाज होते हैं और अपनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, हम आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते उमर साहब। सर मैं मुझे एक चांस दीजिए सर। आपने अब आप यहाँ से जा सकते हैं।